माँ ज्वाला जी की पावन कथा का हम वर्णन करते हैं। किस तरह से माँ ज्वाला जी ने अकबर के अभिमान को तोड़ा था और अपने परम भक्त ध्यानु का मान रखा था। मज्वाला जग में तुम्हारी शान, मज्वाला जग में तुम्हारी शान, मज्वाला जग में तुम्हारी शान, मज्वाला जग में तुम्हारी शान। अकबर का अभिमान था तोड़ा, अकबर का अभिमान था तोड़ा, ध्यानु की रखी आन। मज्वाला जग में तुम्हारी शान, मज्वाला जग में तुम्हारी शान, मज्वाला जग में तुम्हारी शान, मज्वाला जग में तुम्हारी शान। अपनी संगत को साथ लेकर माँ ज्वाला जी के परम भक्त ध्यानु जी माँ के दरबार को रवाना हुए। भक्त ज्वाला मैया के चले हैं संगत लेकर, तेरा ही नाम पुकारे ज्योति हृदय में जलाकर, तेरा ही नाम पुकारे ज्योति हृदय में जलाकर, रुई ना तेल बाती वहाँ जलती है ज्योति, जिसे मैया बुलाती भेज देती है पाती, जिसे मैया बुलाती भेज देती है पाती। भक्तों का माँ ध्यान है रखती, भक्तों का माँ ध्यान है रखती, करती माँ कल्याण। मज्वाला जग में तुम्हारी शान, मज्वाला जग में तुम्हारी शान, मज्वाला जग में तुम्हारी शान, मज्वाला जग में तुम्हारी शान। राजा अकबर के राज्य में जब माँ के परम भक्त ध्यानु पधारे तो राजा अकबर ने उन्हें रोका और जानना चाहा माँ ज्वाला जी कौन है, क्या इसकी शक्ति है। हुए थे राजा अकबर वो अपना राज्य चलाते, सुखी थी प्रजा उनकी वो सबको न्याय दिलाते, सुखी थी प्रजा उनकी वो सबको न्याय दिलाते। ध्यान जब संगत लेकर राज अकबर के आए, मती अकबर की मर गई बोले तुम कहाँ से आए, मती अकबर की मर गई बोले तुम कहाँ से आए। जाना है परेशान, मज्वाला जग में तुम्हारी शान, मज्वाला जग में तुम्हारी शान, मज्वाला जग में तुम्हारी शान, मज्वाला जग में तुम्हारी शान। राजा अकबर के पूछने पर ध्यानु भक्त जी ने बताया माँ ज्वाला जी का दरबार हिमाचल नगरी में है और वहाँ बिना रूई तेल बाती की माँ ज्वाला जी की पावन जोत दिन रात चलती रहती है। ये ज्वाला कौन है मैया ध्यानु हमको बतलाओ, कहाँ है इनका ठिकाना ये हमको तुम बतलाओ, कहाँ है इनका ठिकाना ये हमको तुम बतलाओ। हिमाचल नगरी में है मज्वाला जी का बसेरा, जले दिन रात ज्योति है पर्वत ऊपर डेरा, जले दिन रात ज्योति है पर्वत ऊपर डेरा। जग जननी बलशाली का तू,
जग जननी बलशाली का तू रुतबा जरा पहचान। मज्वाला जग में तुम्हारी शान, मज्वाला जग में तुम्हारी शान, मज्वाला जग में तुम्हारी शान, मज्वाला जग में तुम्हारी शान। राजा अकबर बोले भक्त जानू जी से, यदि हमारा घोड़ा जिंदा नहीं हो तो मैं तुमको फांसी लगवा दूंगा। तब भक्त ध्यानु ने कहा, राजन मेरी मज्वाला देवी एक पल में क्या क्या कर सकती है तुम्हें मालूम नहीं है। नहीं पाखंड दिखाओ है शक्ति तो दिखलाओ, शीश घोड़े का मैं काटूं ध्यान उसको जुड़वाओ, शीश घोड़े का मैं काटूं ध्यान उसको जुड़वाओ। घमंड को त्यागो राजा, लाज माँ सबकी बचाए, होगी कृपा मैया की शीश धड़ से जुड़ जाए, होगी कृपा मैया की शीश धड़ से जुड़ जाए। जिद को छोड़ दे राजन अपनी, जिद को छोड़ दे राजन अपनी, कहना मेरा मान। मज्वाला जग में तुम्हारी शान, मज्वाला जग में तुम्हारी शान, मज्वाला जग में तुम्हारी शान, मज्वाला जग में तुम्हारी शान। अब भक्त ध्यानु जी ने मज्वाला महारानी जी से लगन लगाई और मज्वाला जी से अरदास लगाई और कहा, हे माँ आकर के इस घोड़े को जिंदा करो। हुआ घोड़ा ना जिंदा, हुकुम फांसी का सुनाऊं, भरी इस राज्यसभा में तुम्हें फांसी चढ़वाऊं, भरी इस राज्यसभा में तुम्हें फांसी चढ़वाऊं। मेरी माँ आप बचाए, वो पल में बिगड़ी बनाए, तुम्हें मालूम नहीं है वो सबके प्राण बचाए, तुम्हें मालूम नहीं है वो सबके प्राण बचाए। चिंता नहीं फांसी की मुझको, चिंता नहीं फांसी की मुझको, रखेगी माँ ध्यान। मज्वाला जग में तुम्हारी शान, मज्वाला जग में तुम्हारी शान, मज्वाला जग में तुम्हारी शान, मज्वाला जग में तुम्हारी शान। मज्वाला जी ने जब भक्त ध्यानु जी की करुण पुकार सुनी तो एक आकाशवाणी हुई, जिसे सुनकर भक्त ध्यानु जी का मन प्रफुल्लित हो गया। मेरी मज्वाला रानी करो कृपा जगदम्बे, पास की डोर न टूटे बचा लो ऐ जगदम्बे, पास की डोर न टूटे बचा लो ऐ जगदम्बे। चली आओ महारानी तुम्हारा भक्त पुकारे, दिखा दो आज करिश्मा ये नैना राह निहारे, दिखा दो आज करिश्मा ये नैना राह निहारे। आज सभा में आके बचा लो, आज सभा में आके बचा लो अपने भगत की जान। मज्वाला जग में तुम्हारी शान, मज्वाला जग में तुम्हारी शान, मज्वाला जग में तुम्हारी शान, मज्वाला जग में तुम्हारी शान। मज्वाला महारानी के परम भक्त ध्यानु जी बोले, हे माँ मैं रात दिन जिस तुम्हारे नाम को भजता हूँ माँ, आज उस नाम की लाज बचा लो। हुई आकाशवाणी
भगत क्यों तू घबराता, मैं उसकी रक्षा करती जो द्वारे मेरे आता, मैं उसकी रक्षा करती जो द्वारे मेरे आता। तेरे ही नाम का जोगी हूँ मैया ज्वाला रानी, तेरे माँ हाथों में है मैया मेरी जिंदगानी, तेरे माँ हाथों में है मैया मेरी जिंदगानी। भंवर से नैया आज बचा लो, भंवर से नैया आज बचा लो, नहीं तो क्या गू प्राण मजवाला, जग में तुम्हारी शान मजवाला, जग में तुम्हारी शान मजवाला, जग में तुम्हारी शान मजवाला, जग में तुम्हारी शान। आधी रात बीत गई, भक्त ध्यानु जी ने माँ ज्वाला जी से अरदास लगाई और देखते ही देखते एक चमत्कार हो गया और माँ के आशीर्वाद से घोड़ा जिंदा हो गया। हुई जब अर्धी रात्रि माँ का फिर नाम पुकारा, शीश घोड़े का जोड़ा ध्यान को दिया सहारा, शीश घोड़े का जोड़ा ध्यान को दिया सहारा। महल से अकबर आए देख लीला चकराए, साथ अब मैं भी चलूंगा ध्यान को वचन सुनाए, साथ अब मैं भी चलूंगा ध्यान को वचन सुनाए। लज्जित हुआ सभा में अपनी, लज्जित हुआ सभा में अपनी, गलती ली थी मान मजवाला, जग में तुम्हारी शान मजवाला, जग में तुम्हारी शान मजवाला, जग में तुम्हारी शान मजवाला, जग में तुम्हारी शान। तब राजा अकबर भक्त ध्यानु जी के साथ माँ के दरबार पहुँचे, सवा मन सोने का छत्र लेकर, लेकिन मन में अभिमान था, ज्योति छत्र से जा टकराई और छत्र पता नहीं किस धातु का बन गया। सवा मन सोने का ले जाके मैं छत्र चढ़ाऊं, छत्र ऐसा ना होगा मैं जन जन को दिखलाऊं, छत्र ऐसा ना होगा मैं जन जन को दिखलाऊं। ज्योति से ज्योति निकली छत्र से जा टकराई, बना किस धातु का फिर ये नागर समझ न आई, बना किस धातु का फिर ये नागर समझ न आई। चरणों में गिर गया था अकबर, चरणों में गिर गया था अकबर, शक्ति ली पहचान मजवाला, जग में तुम्हारी शान मजवाला, जग में तुम्हारी शान मजवाला, जग में तुम्हारी शान मजवाला, जग में तुम्हारी शान।